जी समाजवादी पार्टी, हाँ सॉरी जी। देखिए जिसने भी आपसे कहा, पहली चीज समझ लीजिए मैं ऑपोजिशन से हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ, और नहीं सुन लो पहले भाई साहब सुनो, मैंने अपनी डिबेटों में जब मुझे बोलने नहीं दिया जाता था, मेरा फीडर डाउन कर देते थे, माइक ऑफ हो जाते थे, मैंने उन डिबेटों में कैमरे तोड़े हैं, माइक फोड़े हैं, मैं सुनिए सर 20 डिबेट से उठ के गया क्योंकि मेरे साथ न्याय नहीं होता था। आप जो कह रहे थे ना कि रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलते थे एंकर, था, लेकिन दूसरी बात सुनिए, इस शो में मैं ऑपोजिशन से हूं, हर शो में बोलने का मौका मिला, प्रॉपर एयर टाइम मिला, हर सवाल पे बोला मैं, हर इशू पे बोला मैं, तो यह जरूरी नहीं होता कि एंकर एक तरफ से बैटिंग करे। अगर एक एंकर, एक चैनल, एक प्रोग्राम में ऑपोजिशन के नेताओं को खुल के मुद्दे उठाने का समय मिलता है, चांस मिलता है बोलने का, तो मेरे ख्याल से वो एंकर प्रतीक त्रिवेदी निष्पक्ष है। थैंक यू सो मच। अब ये मत सोचिएगा दिमाग में कि ये पहले से सेटिंग थी हमारी कि मैं तुम्हारी तरफ माइक लेके जाऊंगा, तुम धीरे से रोना, तुम धीरे से मुस्कुराना, और तुम अपने सवाल भगाऊंगा बहुत जोर से तुम्हें जी। मालूम है वो क्यों तड़प रहा है? उसे आज ही वायरल हो जाना है, 400 मिलियन हो जाने हैं उसी के आज ही से। हर आदमी का एड्रेस ये है कि तुम्हारे पास कितने फॉलोअर हैं, घर में अपने आदमी नहीं मिलेंगे, फॉलोअर जरूर मिल रहे हैं आदमी। समाजवादी पार्टी आया, रुको ऑटो वाले। लोकतंत्र के काम की मात्र एक पहचान, कैसा जीवन जी रहा निर्धन श्रमिक किसान, ये लोकतंत्र की पहचान है। जब सत्ता में रहा करो तब भी ऐसी ही बात किया करो। सत्ता में तो बात तो ये भी कर रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ मिली? अपनी बात करो ना सबसे बात। हाँ। इनका लोकतंत्र ऐसा है कि जब सुवेंद्र अधिकारी इनकी गोद में बैठ जाता है आकर के, तो वो शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी बन जाता है। इनका लोकतंत्र ये है जब नारायण राणे इनके खुद किरीट सोमैया कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन केंद्र में मंत्री बना बैठा है, और कर्नाटक में जब इनका मंत्री 8 करोड़ रुपए पकड़े। देखिए आप देखिए देखिए आप भाषा पे अपना नियंत्रण मत खोलिए। आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, समाजवादी पार्टी के, बना बैठा है नहीं बने बैठे हैं जी जी। 16 तारीख मैं बहुत देर में आया, लेकिन मैं आपका साधुवाद देता हूं, मैंने निमंत्रण देर भेजा आपको, लेकिन निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए। अब ये बताइए कि आप तो कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप ही थे तो सड़क पे लेट जाते थे रजाई पे लेके, कहते थे नहीं, अब क्या करेंगे आप? मोदी जी के 3 भाई ईडी, अडानी और सीबीआई। तीसरा भाई सीबीआई को भेज दिया गया है, फिर ईडी को भेजा जाएगा, और अडानी इनके भाई के खिलाफ विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर ये बताया कि जिन जिन देशों में नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने दोस्त अडानी के लिए धंधा लेकर आते हैं, उस दिन से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। जब से उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, जिस दिन से बताया, देखिए बौखला गए। हम अडानी पे बात करेंगे तो अब्दुल पे बात कर लो, बौखला गए, बौखला गए, बौखला गए। आराम से क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है मैथल? आराम से वो बोल रहे हैं ना, वो तो चुपचाप बैठे रहे, एक बार भी बीच में नहीं बोले। अब बोलो। देखिए प्रतीक जी, बहुत सारी बातें ये करी, इन्होंने एक बात बोली, आप अंडरलाइन कीजिए। मोदी जी जहां जहां जिस जिस देश में भी जाते हैं, वहां से भारतीय उद्योगपतियों के लिए बिजनेस लेके आते हैं, और भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी को 16 तारीख को नोटिस आया है, उनसे पूछा जाएगा कितने किलो घी आपने पचा लिया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया मतलब 1 किलो घी, ये अरविंद केजरीवाल जी का खून। मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सिर्फ। सर मैं आया, कहाँ से आए आप? जम्मू से जी मैम, बताइए। एक जंगल में जैसे एक तरफ सारे जानवर है, एक तरफ शेर है, ठीक है, उसका कोई मुकाबला नहीं है जंगल में। नहीं मैडम, वो शेर नहीं है, ना अगर वो शेर होता तो छुप के बात नहीं करता, मीडिया पे आए। भाई देखिए भाई, एक बार ऐसे नहीं है, बात बोले जनता ही है, वो भी बोले, मैं किसी का नहीं। हाँ जी, आपके हिसाब से जंगल में एक शेर है
बाकी सारे जानवर, आपका कहना कि शेर नहीं है, जी ठीक है, सारी बात आनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल बड़े वेरी क्विक कि विपक्षी एकता होगी कैसे? और 16 तारीख को मैं एक सवाल रख रहा हूँ, 16 तारीख को सारे लोग सीबीआई जाएंगे कि एक ही जना जाएगा, जिसको बुलाया वही? कल नीतीश कुमार शहर में थे, अजय भवन में थे, डी राजा के साथ थे, यचुरी साहब के साथ पहले थे, बैठकें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, विपक्षी एकता होगी, सरकार बदलेगी, विपक्ष की बारात तैयार है, फिर एक बार दूल्हे का इंतजार है, विपक्ष की बारात तैयार है, फिर एक बार दूल्हे का इंतजार है। जी प्रतीक जी, ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि जैसे उस भाई ने पूछा कि पंजाब में जो हुआ आतंकी हमला बोलूंगा, उसके आज तक हम लोगों को वो गुनहगार नहीं मिले,